नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। आज की सबसे चौंकाने वाली खबर यही है कि पाकिस्तान में इमरान और बाजवा के बीच बिगुल बज चुका है। पाक फौज ने पूरी तरह पाकिस्तानी सत्ता में दखल दे दी है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इमरान की सबसे विश्वासपात्र सहयोगी डॉक्टर फिरदौस आसिफ अवान की कैबिनेट से छुट्टी कर दी है। इससे पहले वित्त मंत्रालय में बड़े फेरबदल के पीछे पाक फौज का दिमाग ही माना जा रहा है। इसका मतलब है कि जनरल बाजवा धीरे धीरे इमरान सरकार पर अपना शिकंजा बढ़ाते जा रहे हैं और ऐसी संभावना है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट की एक और पटकथा लिखी जा सकती है। चौंकाने वाली बात यह है कि अवान को हटाने के बाद जिस शख्स को उनके स्थान पर लाया गया है वह पाक फौज में कोर कमांडर और सीपैक के मौजूदा चेयरमैन आसिफ सलीम बाजवा है। आसिफ अहमदिया समुदाय से आते हैं और जनरल बाजवा के करीबियों में जाने जाते हैं, यानी सुन्नी पाकिस्तान में इस बार अहमदिया बाजवा फैमिली अपने डंडे के बल पर सुन्नियों को गधैया नर्तक कराने की तैयारी कर चुकी है। अब प्रतीक्षा इस बात की है इमरान लोंडे का बिस्तर कब बनी नाला पहुंचता है और कब अहमदिया सुन्नियों की तस्री पे लाल करते हैं। कहने वाले कुछ भी कहे पर जनरल बाजवा की निगाहें काफी वक्त से इमरान की कुर्सी पर लगी है। फरवरी 2019 में पुलवामा के बाद से ही पाकिस्तान में तख्ता पलट की अटकलें लगाए जाने लगी थी, मगर बाजवा को मौका नहीं मिल पाया। मगर अब कोरोना वायरस से निपटने में इमरान की नाकामी ने फौज को यह मौका दे दिया है। जनरल बाजवा सितंबर 2019 के बाद से ही लगभग अज्ञातवास में चल रहे थे, पर हकीकत यह है कि इस वक्त का फायदा उन्होंने इमरान सरकार के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करने और अपने विश्वास पत्रों की टीम तैयार करने में उठाया है। कमर जावेद बाजवा भी अहमदिया समुदाय से आते हैं। पाकिस्तान में अहमदियों के साथ सबसे ज्यादा जुल्म हुए हैं। यहाँ का सुन्नी तबका उन्हें निरंतर प्रताड़ित करता रहा है और आज भी लाखों अहमदिया पाकिस्तान में गायब हैं। पाकिस्तान में अहमदियों को काफिर कहकर बुलाया जाता है। बताया जाता है अहमदिया संप्रदाय के चौथे खलीफा को पाकिस्तानी सरकार के प्रतिबंधों के कारण देश को छोड़ना पड़ा था। जनरल बाजवा अहमदिया समुदाय में सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तियों में से एक हैं। उनके जनरल बनने के बाद अहमदियों पर अत्याचारों में भारी कमी आई है, पर मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इमरान द्वारा कोरोना वायरस महामारी के दौरान जो सहायता उपलब्ध कराई गई उसमें अल्पसंख्यक तबके को साइडलाइन कर दिया गया। इसमें अहमदिया समुदाय भी शामिल था। राशन डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर 3 माह तक 12,000 रुपए की मदद से भी अहमदियों को वंचित कर दिया गया है और केवल सुन्नी मुसलमानों को ही तमाम मदद उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए इमरान खान ने बाकायदा बड़ी चाल चली थी। उन्होंने सीमित लॉकडाउन करके 200 करोड़ रुपए का पैकेज जारी कर दिया। इसके बाद यंग टाइगर फोर्स की भर्ती भी शुरू कर दी, जिसमें 4 लाख से ज्यादा लोगों के आवेदन आए। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें उन्हीं लोगों को चुना गया जो सुन्नी समुदाय से आते थे। किसे सहायता दी जानी है उसकी बाकायदा सूची तैयार की गई। यह काम पूरा होते ही इमरान ने लॉकडाउन हटाने की घोषणा कर दी, मगर शांति से बैठकर पूरा तमाशा देख रहे जनरल बाजवा इमरान का सारा खेल समझ गए, जिसके बाद 23 अप्रैल को सेना ने इमरान के फैसले को पलटते हुए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी। केवल इतना ही नहीं, यंग टाइगर फोर्स की छुट्टी करके पूरे देश में सैनिकों की तैनाती भी कर दी, यानी इमरान के सारे दांव फैल करके बाजवा ने प्रोक्ष रूप से कमान अपने हाथ में ले ली। इसके लिए बाजवा ने नेशनल कोर कमेटी गठित करके अहमदिया समुदाय तक मदद पहुंचाने का प्रबंध भी कर दिया। पाकिस्तानी सेना में अहमदिया समुदाय के अधिकारियों को एकजुट करने में बाजवा ने बड़ी भूमिका निभाई है। डॉक्टर अवान को हटाकर कोर कमांडर आसिफ सलीम बाजवा की पदोन्नति उसी कड़ी का एक हिस्सा है। जनरल बाजवा सभी महत्वपूर्ण पदों पर अहमदिया अधिकारियों को स्थापित कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि इस वक्त पाक सेना में सुन्नी मुसलमान अधिकारियों को हाशिए पर कर दिया गया है। पिछले 6 महीने के दौरान बाजवा ने गुपचुप रहकर 150 से ज्यादा स्थानांतरण किए हैं। आसिफ सलीम बाजवा को पहले सीपैक चेयरमैन के सबसे बड़े पद पर बिठाया गया था, अब उन्हें कबीना में घुसा दिया गया है। इससे जनरल बाजवा को इमरान की एक एक पल की खबर मिलती रहेगी, यानी यहां केवल तख्ता पलट की तैयारी नहीं है बल्कि पाकिस्तान के इतिहास का बहुत बड़ा परिवर्तन भी होने जा रहा है, जहां गैर मुस्लिम सुन्नी पाकिस्तानियों की लंका लगाने की तैयारी कर चुका है। ये तहमंदबाज फौज के नाम पर पिछवाड़े मटका रहे हैं, जबकि अब फौज के सर्वे सर्वावे लोग हैं जिनका इन टोपीबाजों ने उत्पीड़न किया है। इस बार केवल तख्ता पलट ही नहीं होगा बल्कि अहमदियों को सुन्नी से बदला लेने का अवसर भी मिलने वाला है
और यकीनन जनरल कमर जावेद बाजवा इसकी मजबूत पटकथा लिख चुके हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।